इन फिल्मों के बाद निरुपा रॉय की होने लगी थी पूजा। बॉलीवुड में अगर माँ के किरदार के लिए अगर किसी का नाम याद आता है तो वे है निरुपा रॉय। 4 जनवरी को गुजरात में जन्मी निरुपा रॉय अपनी करियर की शुरुआत में कुछ ग्लैमरस रोल भी किए हैं। निरुपा रॉय द्वारा किए गए माँ के किरदार हर किसी में इस तरह बस गया कि उन्हें बॉलीवुड की माँ का खिताब दे दिया गया। उनकी शादी बेहद ही छोटी उम्र में हो गई थी। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी जब उनकी शादी कमल रॉय से हुई थी। निरुपा रॉय का असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा है। बॉलीवुड में आने के बाद निरुपा रॉय ने अपना नाम बदल लिया था। माँ के किरदार में तो उन्हें हर किसी ने देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि निरुपा रॉय ने तकरीबन 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। उन्होंने अपने रोल से लोगों के दिलों पर इस तरह राज किया कि लोग उन्हें हकीकत में देवी मानने लगे थे। यहाँ तक कि लोग उनके घर जाकर उनके पैर छूते थे और भजन गाते थे। उन्हें 50 के दशक में धार्मिक फिल्मों की रानी माना जाता था। एक और जहां 50 के दशक में देवी माना जाता था, तो वहीं 70 से 80 के दशक में उन्होंने इतनी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया कि उन्हें असल जिंदगी में भी उन्हें माँ ही पुकारा जाने लगा।